समर्स आने वाली हैं तो क्यों ना आज बनाया जाए ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड वाला फ्रूट कस्टर्ड, जो कि समर स्पेशल डेजर्ट है और आई थिंक सबका फेवरेट है। समर्स में सबके घरों में ये कॉमनली बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। इसमें खोया, क्रीम, कंडेंस मिल्क ऐसी कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर जो कि वेनिला फ्लेवर का है, दूध, चीनी और जो भी फ्रूट्स आपकी चॉइस के हों या घर में अवेलेबल हो वो फ्रूट्स आपने लेने हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रूट्स खट्टे नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में दूध डाल दिया है। दूध डालने से पहले कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालिए और उसको निकाल दीजिए, तो उससे क्या होगा कि दूध नीचे नहीं लगेगा। ओके, तो जब तक दूध गर्म होता है तो जहाँ कस्टर्ड पाउडर की हम स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो आप कस्टर्ड बनाते हो ना थोड़ा पतला होता है, लेकिन जो फ्रूट कस्टर्ड होता है बनाना है आपने वो थोड़ा थिक होता है क्योंकि उसमें फ्रूट्स ऐड करने हैं हमने। ओके, तो जहाँ देखिए थोड़ा पहले मैंने दूध डाला था इसमें और एक फाइन पेस्ट आपने रेडी करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया है और बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ आपने स्लरी रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, जानते कि मैंने अंगूर, स्ट्रॉबेरी और पपाया लिए है। आप इसमें अनार ले सकते हो, एप्पल, केले, कोई भी फ्रूट आप लीजिए जो कि खट्टे नहीं होने चाहिए, बस मीठे फ्रूट्स होने चाहिए। मैंगो भी आप ले सकते हो। तो जान जो भी मैंने फ्रूट्स लिए उसको छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये फ्रूट कस्टर्ड बनके रेडी होता है और आई थिंक सबका फेवरेट है ना। तो जान देखिए दूध अच्छे से गर्म हो गया है और इसको मैंने कंटिन्यू स्टिर करते हुए इसमें ऐड करना है हमने ये कस्टर्ड पाउडर की स्लरी, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड पाउडर की ये सोल्यूशन डालेंगे ये एकदम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको एकदम भी आपने छोड़ना नहीं है, और देखिए नहीं तो फिर इसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। तो देखिए कंटिन्यू स्टिर करते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और हिलाते जा रही हूँ, और बाकी जो बचा है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हिला के डालना है इसमें फ्रेंड्स, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है ना नीचे बैठ जाता है कटोरी में। तो थोड़ा सा दूध डाल के वो भी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और इसको अब आपने एकदम कंटिन्यू स्टिर करते हुए स्मूथ एकदम कस्टर्ड पाउडर बनाना है। और अब इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। तो मैंने 2 कप दूध में 4 चम्मच जो है मैंने शुगर डाली थी, तो एकदम परफेक्ट इसमें स्वीटनेस आ गई थी। तो जान देखिए एकदम स्मूथ हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है बन के रेडी हो चुका है। तो वो इतना ही आपने थिक रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे पंखे के नीचे रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद इसे एक बाउल में डालेंगे। तो जहाँ देखिए फ्रूट्स तो मेरा रेडी हो चुके हैं, मैंने जहाँ 3 फ्रूट्स डाल रही हूँ, बाकी आपके पास जितने भी फ्रूट्स हो आप डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी वाला है, और इससे खाकर आपको गिल्ट फील नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बिल्कुल घी वगैरह ऐसे कोई चीज़ भी नहीं है। तो जहाँ देखिए बाउल में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। तो ये इसको फ्रूट्स ऐड करने के बाद फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे, कम से कम भी 2 घंटे रखिए, और चिल्ड इसको सर्व करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी वाला मेरा फ्रूट कस्टर्ड बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में ये जरूर ट्राई करना, और बच्चों को भी पसंद आता है, इवन सबको, सबका फेवरेट है आई थिंक। और इसमें कोई फ्लेवर भी आपने नहीं ऐड करना है, जैसे छोटी इलायची या केसर ये सब नहीं डालना है। चाहो तो इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस का ऐड कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये फ्रूट कस्टर्ड ऐसे भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो जहाँ मैंने 2 कटोरियाँ रख ली हैं, और फ्रेंड्स इतना ठंडा और एकदम इतना टेस्टी, और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये इसे सर्व कर दिया है, और इसके बाद जो मैंने फ्रूट थोड़े से बचा लिए थे उसको भी इसके ऊपर डाल देंगे और डेकोरेट अच्छे से करके इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना अपने घर में, और अपना फीडबैक भी शेयर करना कि कैसी लगी आपको। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो फ्रेंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल बटन है ना उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी भी स्किप ना कर सकें। ओके, तो चलिए यहीं करते हैं एंड, और आप इंजॉय कीजिए इस फ्रूट कस्टर्ड को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।